ग्वालियर में एक बदमाश युवक ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर पैसे उधार न देने पर जीजा और साले को गोली मार दी। गोली लगने से जीजा और साला गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद बदमाश युवक मौके से फरार हो गए। घटना मुराद थाना क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित हंसराज होटल के पास की है। वारदात के बाद घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की और सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फिलहाल पुलिस ने घायलों के बयान के आधार पर आरोपी अजीत और उसके तीन अन्य साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। मामला अजीत जाट जो कि दुइया का रहने वाला है, उसने पैसे मांगे तो जिया जी ने जो रविंद्र राणा से मांगे थे उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है पैसे। तो उसने बोला कि मेरे से मिलो, कहाँ पे हो तुम? जिया जी ने बोला मैं बाद में मिलूँगा, अभी मैं बैठा हूँ कहीं। तो ये दारू पी के बार बार कॉल किया जा रहा था, कॉल पर फालतू की गाली गलौज कर रहा था। तो जिसकी रविंद्र राणा ने मुझे बुलाया, मेरा नाम प्रदीप राणा है, मैं उनका साला लगता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि ऐसी सी बात है, अजीत गाली दे रहा है फालतू में, तो तू आ जा समझा देना उसको। तो मैं आया वहाँ पे, तो अजीत ने धोखे से बुलाया कि इधर आ जाओ। तो अजीत से हाथापाई हुई थी और अजीत ने ये बोला था कि लाओ मेरी बंदूक कहाँ पे है। तो अजीत ने बंदूक निकाल के मौजर और अनाधुन फायर चालू कर दी, जिसमें कि मेरे जिया जी रविंद्र राणा को गोली लगी है और मेरा भाई है राहुल राणा, उसको गोली लगी है। जी, हंसराज होटल के सामने संभवतः मुराद थाना क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई है। उसमें ये बेसिकली आपस के जान पहचान के लोग थे, तो इसमें जो है रविंद्र राणा और राहुल राणा इन दोनों पे फायरिंग की गई है। एक के लेफ्ट हैंड में गोली लगी है और एक के पेट में गोली लगी है। इनको जो जिसने गोली मारी है वो संभवतः अजीत राणा है, सेम समाज के लोग हैं। इन दोनों का आपस में लेन देन को लेके विवाद था, जिसके कारण इनके बीच में आपस में नोकझोंक हुई और इसमें जो है अजीत ने इन पर फायरिंग की है। जी, प्राथमिक तौर पे यही समझ में आ रहा है कि अजीत ने शायद इनसे पैसे मांगे थे और वो अगर जब उसको पैसे नहीं दिए गए तो उसने आक्रोश में आके इन दोनों पर फायरिंग की।